सो गाइस, कुछ दिन पहले अपडेट से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो अनहाइड हो चुके हैं। आपने सभी चैनल देखे होंगे, जो भी सब्सक्राइबर हाइड करके रखे थे उन सब के चैनल्स पे सब्सक्राइबर अनहाइड हो गए हैं। जो भी चैनल्स थे, जो 500 के थे, 500 के थे, जो भी थे, मतलब जितने भी थे सबके अनहाइड हो चुके हैं। और ये हुआ है 29 जुलाई से। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अनहाइड करना है। तो जैसे कि पहले आप जानते हैं कि पहले हम स्टूडियो में जाके वहाँ से हम डायरेक्ट अपने सब्सक्राइबर अनहाइड कर देते थे वो यूट्यूब स्टूडियो में जाके। तो आइए देखते हैं फिर से हम वहाँ से कैसे किया जाता था। जो भी नहीं जानते वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट जाना है क्रोम पे। तो मैं अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यह मैं अपने क्रोम पे चला गया। सो ये साइट। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ये देखिए मेरी इतने डॉलर की अर्निंग हुई है, 9.9 डॉलर, और सिर्फ कितने 2000 व्यूज भी नहीं कंप्लीट हुए हैं उस पर। मुझे 9 डॉलर, मतलब डायरेक्ट मानो अगर 2000 व्यू हो जाते तो 10 डॉलर की अर्निंग हो जाती। यूट्यूब 3000 व्यू पे 1 डॉलर देता है, और यहाँ पे आपको 2000 डॉलर पे 10 डॉलर, 2000 व्यूज से 10 डॉलर अर्निंग हो रही है। अगर इसका वीडियो आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो दे दूँगा कि कैसे ये करना है। सो चलिए चलते हैं अपने YT स्टूडियो में। सो आपको यहाँ पे सर्च करना है डायरेक्ट वो स्टूडियो, और ये आपको studio.youtube.com खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको ये वेबसाइट ओपन होने देनी। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी हमारे नए अपडेट हैं वो आपको डायरेक्ट मिल जाएँ, जो भी नए वीडियोज़ हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर जिसने सब्सक्राइबर पहले हाइड किया है तो वो नीचे सेटिंग में जाके यहाँ पे, और यहाँ पे चैनल पे क्लिक करके फिर आपको एडवांस सेटिंग में जाना होता है। फिर आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट ऑफ करना होता है। तो आप ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर काउंट नहीं शो हो रहा है। आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कहीं भी सब्सक्राइबर काउंट नहीं शो कर रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस लिए ये ऐसा हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि YouTube अपने हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट करता रहता है। तो 29 जुलाई के हिसाब से जब उसने अपडेट किया है तो उसने सभी चैनल्स पे सब्सक्राइबर काउंट अनहाइड कर दिया है। क्योंकि क्या होता था, जो भी जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे मनोज दे हैं या फिर कोई भी यूट्यूबर्स है, उसका सेकंड चैनल, जैसे आप देखते होंगे उसके कॉपीड चैनल बहुत से बने हैं और उसी तरह के जो वीडियोस वो डालता रहता है कोई भी बंदा, और फिर वो किसी से भी पैसे मांगता है या कुछ भी स्कैम कर देता है। इसलिए यूट्यूब के नए रूल्स के हिसाब से वो अब सब्सक्राइबर अनहाइड रहेंगे हमेशा के लिए। अब ये अगर कुछ अगले अपडेट से ये सही कर दे तो आप सब्सक्राइबर कुछ हाइड कर सकते हैं, अगर कुछ अपडेट किया कुछ ऐसा नहीं। वैसे ये चीज़ आपको कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। वैसे मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ख़राब है, क्योंकि जो भी छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको सब्सक्राइबर बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि अगर किसी का भी 100 सब्सक्राइबर हैं, 200 सब्सक्राइबर हैं, तो जो कोई भी बंदा वॉच करेगा तो उसको सब्सक्राइब नहीं करता ऐसे। मतलब अगर आप ही खुद सोचिए, आपके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं किसी को और उसके 100-200 सब्सक्राइबर हैं तो आप खुद सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि सोचेंगे ये बंदा क्या करेगा आगे। तो और जो कोई मिलियंस पे है भाई, उसके तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो ये चीज़ ये यूट्यूब गलत किया है। तो अगर कोई अपडेट आगे मिलती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप तो यूट्यूबर्स हैं ही भाई, अगर यहाँ पे आए हैं तो आप यूट्यूबर तो होंगे ही पक्का। तो कुछ मेरी भी हेल्प कर दीजिए भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।